हेलो फ्रेंड्स, आई एम शबनम, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मैं ये बना रही हूँ कार्डिगन। देखिए आप, ये 11 टू 14 इयर्स के लिए है, बच्चों के लिए। और फ्रेंड, ये साइज़ मैंने बहुत खुला खुला बनाया है। और देखिए, ये पैटर्न बहुत ही इजी पैटर्न है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, ये बॉयज़, गर्ल्स, लेडीज़ के किसी के लिए भी ये पैटर्न भी आप बना सकते हो, और ये कार्डिगन ऐसे ही बना सकते हो। बॉयज़ के लिए बनाना होगा तो आप कलर अपने हिसाब से बना लोगे। और फ्रेंड्स, अगर आपको ये कार्डिगन अच्छा लगता है और आप इसके सारे पार्ट्स देखना चाहते हो तो प्लीज़ मेरे चैनल निटिंग एंड क्रोशिए प्लानट को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आप मेरी सारी वीडियो देख सकें। तो चलिए फ्रेंड्स, बनाना स्टार्ट करते हैं हम। पार्ट 1 एंड 2 अपलोड हो चुका है और ये पार्ट 3 वीडियो है। देखिए, पार्ट 2 वीडियो में हमने ये बनाई थी फ्रंट लेफ्ट साइड, और अब ये मैंने फ्रंट राइट साइड मैंने बना ली है। और आपको ये मैं बता देती हूँ कि मैंने ये कैसे बनाई है, क्योंकि ये सेम मेथड है बनाने का। जैसे हमने यहाँ पर ये स्टिचेस छोड़े हैं, सेम हमने वैसे बनाए हैं। यहाँ से हम जब रो राइट साइड से स्टार्ट करते हैं, तो जितने फंदे हम इधर छोड़ते हैं, उतने फंदे हम यहाँ पर राइट साइड के रो के एंड में करते हैं। मीन्स हम इधर से देखते हैं और इधर से राइट साइड से स्टार्ट करते हैं, इधर से देखते हुए इस तरह से। जैसे देखिए, यहाँ पर फर्स्ट रो में हमने ये स्टिचेज उल्टे डाले हैं, फिर सीधे वाला ये बटन बनाया। इसी तरह यहाँ पर हमने बटन पट्टी के साथ जैसे किया है, वही बटन पट्टी के साथ इधर स्टिचेस बनाए हैं और फिर ये, और इस तरह ये स्टिचेस बनाए हैं। अगर और इसके बाद ये बटन पट्टी की है, ये आई कॉर्ड, ये मैं अभी आपको बना के दिखा दूँगी। पॉकेट का सेम प्रोसीजर रहेगा। और उसके बाद जो हमारा शोल्डर डिक्रीज है, वो हम यहाँ पर जब राइट साइड से रो स्टार्ट करते हैं तब शोल्डर डिक्रीज करते हैं, लेकिन यहाँ पर जब हम रॉन्ग साइड से रो स्टार्ट करते हैं तो तब हम इसकी डिक्रीजिंग करते हैं। और नेक डिक्रीज यहाँ पर हमने उल्टी साइड, जब रॉन्ग साइड से रो बनाते हैं तो नेक स्टार्ट करते हैं, और यहाँ पर जब हम राइट साइड से स्टार्ट करते हैं तो बनाते हैं। उतने ही स्टिचेज, बाकी सब कुछ वैसे ही रहेगा। देखिए, यहाँ पर जैसे पैटर्न बन रहा है, इसके एंड में भी हमारा वैसे ही पैटर्न बन रहा है। तो एक बार मैं अकेली ये साइड आपको दिखा देती हूँ, आप अच्छे से देख सकते हो। आप जब भी बनाओगे तो वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हो। ये मैं आराम से आपको दिखा देती हूँ। ये हमारी शोल्डर कटिंग है, और इधर से हमारा ये नेक डिक्रीजिंग है। और अब ये मैं बता देती हूँ कि हमने ये वाला आई कॉर्ड कैसे बनाया है। इस साइड का जो आई कॉर्ड है, ये जब हम रो स्टार्ट करते हैं राइट साइड से तब बनाते हैं। तो पहले हमने लेफ्ट साइड वाला, हमने एंड वाला बनाया था। अब देखिए, इसमें क्या करते हैं, ये 2 स्टिचेस फर्स्ट इसको स्लिप करेंगे, इसको स्लिप करेंगे और थ्रेड आगे लाएंगे। उसके बाद हम ये स्टिचेस उल्टे बनाएंगे और यहाँ पर जो भी हमारा बॉर्डर होगा, जो भी पैटर्न होगा, वो हम बना लेंगे। अब हमने राइट साइड के लिए सिर्फ ये साइड देखनी है, और ये हमारी लेफ्ट साइड की है। ये मैंने आपको साथ साथ दिखाई दिया था कि इसे हम स्लिप करेंगे, इसको हम सीधा बनाएंगे। और अब हमारी रॉन्ग साइड से, ये तो जैसे हमने लेफ्ट साइड बनाई है वही रहेगा, स्लिप 1 और नेक्स्ट पर्ल 1, और उसके बाद जैसा हमारा बॉर्डर होगा, जैसा पैटर्न होगा, वो हमारा सेम चलता जाएगा। आई कॉर्ड कहीं भी हम बना सकते हैं। और लास्ट में ये 2 स्टिचेस आपने कैसे करने हैं, रो के एंड में ये दोनों स्टिच हमने उल्टे बनाने, रॉन्ग साइड से दोनों स्टिचे उल्टे बनाने हैं और राइट साइड से दोनों को हमने स्लिप करना है। इसको भी स्लिप करेंगे, इसको भी स्लिप करेंगे, थ्रेड इस तरह से आगे लाएंगे, आगे से नहीं लाएंगे, ऐसे नहीं बनाएंगे, इस थ्रेड को पीछे से ऐसे लेके आगे आएंगे, और ये स्टिच जैसे भी हमने बनाने हैं बना लीजिए। सीधे बनाने हैं तो भी ऐसे ही बनाएंगे, सीधे पीछे की साइड लेके जाके।
और ये हमारा लेफ्ट साइड वाला है। और ये हमारी लेफ्ट साइड का फर्स्ट स्लिप करेंगे और इसको हम पैरेलल वाइज बनाएंगे। तो ये है हमारी आई कॉर्ड, इसको उल्टा बनाएंगे और इसको भी उल्टा बनाएंगे। तो इसी तरह ये बनाएंगे हम। अब देखिए फ्रेंड, यहाँ पर जब भी आप राइट साइड से रो स्टार्ट करोगे दोनों स्टिच स्लिप करने हैं, और जब रॉन्ग साइड से रो के एंड में आओगे तो दोनों स्टिच आपने उल्टे बनाने हैं। और यहाँ पर भी जो हमने देखो ये चेन इस तरह से जा रही है हमारी, ये भी बहुत अच्छी लग रही है। देखिए आप दोनों तरफ ये हमारा ऐसे ही बना है। यहाँ पर फ्रेंड देखिए, ये तो हमारी ये आई कॉर्ड बन गई है, और यहाँ पर भी देखिए इस तरह से ये इस तरह चेन जा रही है, और इस साइड भी हमने ऐसे ही बनाई है। और फ्रेंड्स ये वाली साइड तो मैंने आपको बना दी, पूरी वीडियो बनाई है इसकी। ये वाली साइड जो है ये जैसे हम बैक साइड पे करेंगे तब मैं आपको करके दिखाऊंगी, सेम वे से हमने यहाँ पे करनी है। जैसे बैक साइड के नेक पे करेंगे डिक्रीजिंग, तो जैसे वहाँ करेंगे वैसे ही हमने यहाँ पर करनी है। तो चलिए अब हम बैक साइड स्टार्ट करते हैं। ये अब हम बैक साइड स्टार्ट कर रहे हैं, तो इसका जैसे मैंने फ्रंट साइड पे बॉर्डर बनाया उतना ही बॉर्डर मैंने बना लिया है। तो इसके लिए मैंने लिए 97 स्टिचेस, और अब लास्ट जो मैंने रॉन्ग साइड से रो बनाई है उसमें मैंने 3 स्टिचेस इंक्रीज किए हैं, तो अब हमारे पास 100 स्टिचेस हैं। और फ्रेंड्स यहाँ पर जो पैटर्न है हमारा वो स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट रो राइट साइड से 5 स्टिचेस हम उल्टे डालेंगे, पर्ल 5। उसके बाद हमने 10 स्टिचे डालने हैं, निट 1 पर्ल 1, एक फंदा सीधा एक फंदा उल्टा, ये 5 टाइम्स हमने रिपीट करना है। 10 स्टिचेस बनाने हैं, निट 1 पर्ल 1, निट 1 पर्ल 1, पर्ल 1। तो ये हमारे 5 स्टिच उल्टे थे। उसके बाद 2 4 6 8 स्टिचेस हुए हैं। अब एक फंदा सीधा एक फंदा उल्टा, ये हमारे 10 स्टिचेस हो गए। यहाँ पर लास्ट में पर्ल 1 आया है। अब हमने 10 स्टिचेस और उल्टे बनाने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अब इसके बाद फिर रिपीट करेंगे, निट 1 पर्ल 1, 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। देखिए 10 स्टिचेस हमारे पास ये उल्टे हैं, 2 4 6 8 10, ये 2 4 6 8 10। और अब हम 10 स्टिचेस उल्टे बना लेंगे। तो इसी तरह हम रो कंप्लीट करेंगे, 10 स्टिचे उल्टे बनाएंगे, फिर निट 1 पर्ल 1 वो 10 स्टिचे बना लेंगे। तो ये रो मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। अब फ्रेंड देखिए, फर्स्ट रो के हम एंड में हैं, तो यहाँ पर मैंने 10 स्टिचे उल्टे बनाए हैं। अब 10 सीधा एक उल्टा बनाएंगे, निट 1 पर्ल 1, 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अब ये 10 हमारे पास, सॉरी 5 पीछे रह गए, 5 हमने उल्टे बनाने, 2 3 4 और 5। अब है रॉन्ग साइड से हमारी रो 2। ये सेकेंड रो देखिए, इधर से जो हमने इधर से उल्टे स्टिचेस बनाए हैं फर्स्ट रो में, वो सारे उल्टे स्टिचेस बनाएंगे। जो हमने ये
एक एक फंदा बीच में सीधा बनाया है, उसे हम स्लिप करेंगे। और अब देखिए, पहले हमने यहाँ पर 5 स्टिच उल्टे जो बनाए थे, तो यहाँ से भी 5 स्टिच उल्टे बनाएंगे। पर्ल 5, फोर और 5। अब हमारा रिपीट पैटर्न स्टार्ट होता है। देखिए, ये फंदा उल्टा है, इधर से भी उल्टा बनाएंगे। जो फंदा इधर से हमने सीधा बनाया, इसे हम स्लिप करेंगे। तो ये 2 स्टिचेस हो गए, पर्ल 1, स्लिप 1। ये 10 स्टिचेस हम इस तरह से बनाएंगे, पर्ल 1, स्लिप 1। 2 हो गए, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10। देखिए, ये हमारा सीधा फंदा है, इसे हमने स्लिप कर लिया। अब इसके बाद 10 स्टिचेस उल्टे बनाएंगे। 1, पर्ल 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10। तो ये 10 स्टिच उल्टे हो गए, ये हमारा रिपीट पैटर्न ओवर हुआ। अब देखिए, इसके बाद फिर हमारे वो 10 स्टिच स्टार्ट होते हैं। ये उल्टा, इसे उल्टा बनाएंगे, ये सीधा, इसे हम स्लिप करेंगे। पर्ल 1, स्लिप 1, पर्ल 1, स्लिप 1, पर्ल 1, स्लिप 1, पर्ल 1, स्लिप 1, पर्ल 1, स्लिप 1। और अब हम 10 स्टिच उल्टे बना लेंगे, तो इसी तरह हम अपनी रो कंप्लीट करेंगे। देखिए, अब हमारी है 3rd रो राइट साइड से, तो ये 1st रो की तरह ही बनेंगी। 1st और 2nd रो ही हमने रिपीट करनी है। देखिए, ये पर्ल 5, नेट 1, पर्ल 1, नेट 1, पर्ल 1, नेट 1, पर्ल 1, नेट 1, पर्ल 1, नेट 1, पर्ल 1। तो देखिए, ये हमारे स्टिचेस हो गए। अब ये स्टिचेस उल्टे बनाएंगे और फिर हम ये बनाएंगे, पर्ल 1, नेट 1। तो ये 1st और 2nd रो रिपीट करके हम 8 रोज और बनाएंगे, मीन्स हमारी टोटल 10 रोज बन जाएगी। तो ये मैं 10 रोज कंप्लीट करके फिर आपको दिखाती हूँ। देखिए, ये हमारी 10 रोज कंप्लीट होगी। 10 रोज से ये वाली 1, 2, 3, 4, 5 स्ट्राइप्स बन गई, ये बीच वाली। और आप देखिए फ्रेंड्स, 11th रो से हम ये पैटर्न चेंज करेंगे। ये पैटर्न यहाँ डालेंगे और ये वाला इधर डालेंगे। अब कैसे करेंगे, ये 5 स्टिचेस तो हम उल्टे ही डालेंगे, पर्ल 5। उसके बाद हमने ये 10 स्टिचेस जो उल्टे डालने हैं, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे पैटर्न। 10 स्टिचेस उल्टे डालेंगे, 3, 6, 9 और ये 10। इस उल्टे फंदे तक हम उल्टे स्टिचेस डालेंगे। इसके बाद एक सीधा, एक उल्टा, सीधा उल्टा, सीधा उल्टा, सीधा उल्टा, सीधा उल्टा, ये यहाँ तक हमारे उल्टे स्टिचेज है। यहाँ पर हम नेट 1, पर्ल 1, उसके बाद फिर ये वाले 10 स्टिचेज यहाँ तक, ये हम उल्टे डालेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये 11th रो राइट साइड से है, नेट 5, पर्ल 5, 4 और 5, पर्ल 5, रिपीट पैटर्न स्टार्ट। अब हम 10 स्टिचेस बनाएंगे, 1 उल्टे, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। अब देखिए, यहाँ तक हमारे 10 स्टिचेस होते हैं उल्टे फंदे तक। अब ये वाले 10, अब हम करेंगे पर्ल, नेट 1, पर्ल 1, नेट 1, पर्ल 1, नेट 1, पर्ल 1, नेट 1, पर्ल 1। बनाना हमने ये 1st रो की तरह है और पैटर्न की प्लेस चेंज हो जाएगी। अब देखिए, ये उल्टे स्टिचेस तक हमने बनाने हैं। तो ये हमारे 10 स्टिचेस बन गए। ये 10 स्टिचेस तो इधर, ये हमारा सीधे फंदे से स्टार्ट होते हैं, 2, 4, 6, 8, 10। अब ये वाले उल्टे स्टिचेस बनाएंगे, एक ये हो गया। इसके बाद हम 10 स्टिचेस बनाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9 और 10। अब देखिए यहाँ पर हमारे 11 स्टिचेस बन जाते हैं ये वाले, क्योंकि एक ये आ जाता है हमारा ये सीधे के बाद एक उल्टा 10 हम और बनाते हैं, तो ये हमारे 11 बन जाते हैं, 3, 6, 9, 10 और 11। और उसके बाद देखिए फिर ये वाले स्टिचेस के ऊपर नेट 1 पर्ल 1 एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, इस तरह से हम 10 स्टिचेस बनाएंगे। और देखिए 2, 4, 6, 8 और 9 और ये हमारे हो गए 10। इसके बाद ये स्टिचेस उल्टे बनाएंगे 1, 2 और ये 10 स्टिचेस उल्टे बना लेंगे और यही रो हम रिपीट करते जाएंगे। पर्ल 10 नेट 1 पर्ल 1 ये 5 टाइम्स बनाएंगे, फिर पर्ल 10 फिर 5 टाइम्स नेट 1 पर्ल 1, तो इसी तरह ये रो कंप्लीट करेंगे। फ्रेंड देखिए 11th रो के एंड में है, तो ये वाले स्टिचेस हम उल्टे बना रहे हैं 10 स्टिचेस। तो यहाँ पर हमारा रिपीट पैटर्न ओवर होता है। देखिए ये 10 स्टिचेस उल्टे बना लिए और ये 5 स्टिचेस इन्हें भी हम उल्टा ही बनाएंगे। अब हमारी है 12th रो रॉन्ग साइड से, तो ये हम 5 स्टिचेस उल्टे बनाएंगे जो उधर से उल्टे बनाए हैं, 4 और ये 5 स्टिचेस उल्टे बना करके अब हमारा रिपीट पैटर्न स्टार्ट होता है। तो पर्ल 10 10 फंदे उल्टे बनाएंगे, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। अब ये हमारे पास वो फंदे आ गए जो एक उल्टा एक सीधा बनाया, इसमें से हम देखिए ये फंदा जो इधर से हमने उल्टा बनाया इधर से भी उल्टा बना लेंगे, तो ये हमारे 11 हो गए। अब थ्रेड आगे रहने देंगे, जो इधर से सीधा फंदा है और इधर उल्टा दिखाई दे रहा है इसको स्लिप करेंगे, इसको उल्टा बनाएंगे, स्लिप 1 पर्ल 1 ये हमारा 5 टाइम्स स्लिप 1 होगा, तो 1, 2, 3, 4, 5 और देखिए लास्ट में हमारे पास ये 10 था जो सीधा फंदा था 10th, ये हमने कर लिया और अब हम ये बनाएंगे उल्टे स्टिचेस 10। थ्री सिक्स सेवन एट नाइन और 10। अब देखिए अब हमारे पास ये स्टिचेज आ गए, इसे हम उल्टा बना लेंगे और इसको स्लिप करेंगे, तो इसी तरह ये फंदे भी इसी तरह बनाते हुए ये रो कंप्लीट करेंगे। पर्ल 11 आएंगे, पर्ल 10, फिर हम वो 5 स्टिच बनाएंगे तो हमारे पर्ल जो है वो 11 हो जाएंगे, फिर स्लिप 1 पर्ल 1 स्लिप 1 पर्ल 1, तो इसी तरह जो इधर से हमने 5 स्टिचेज सीधे डालने हैं उनको हमने ये स्लिप करना 1, 2, 3, 4, 5 और बाकी के जो स्टिचेस हैं वो हमने उल्टे बनाने हैं। तो ये रो मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। अब 12th रो के एंड में है, तो देखिए ये मैंने उल्टे स्टिचेस बना लिए 10 और इसके बाद ये लास्ट में 5 स्टिचेस हैं, इन्हें भी हम उल्टा बनाएंगे। और फ्रेंड देखिए अब ये वाला पैटर्न जो है ये यहाँ बनना स्टार्ट हो गया और ये वाला पैटर्न यहाँ बनना स्टार्ट हो गया। अब हमने जो 11th और 12th रो है यही रिपीट करते हुए 20 रोज हम कंप्लीट कर लेंगे। तो अब मैं एक बार फिर आपको स्टार्ट करके दिखाती हूँ। ये हमारी 13th रो है राइट साइड से, तो ये 11th रो की तरह बनाएंगे। पर्ल 5 रिपीट पैटर्न स्टार्ट होता है। अब हमने 10 स्टिचेस उल्टे बनाएंगे, पर्ल 10, ये हमारे दिखाई दे रहे हैं उल्टे स्टिचेस के ऊपर हमने उल्टे स्टिचेस बनाने हैं। देखिए अब इसके बाद जो सीधा स्टिच है उसे सीधा बनाएंगे, जो उल्टा स्टिच है
उल्टा बनाएंगे, तो इसे नीट वन पर्ल वन, नीट वन पर्ल वन। इसी तरह इलेवंथ ट्वेल्थ रो रिपीट करते हुए हम 20 रोज कंप्लीट कर लेंगे। तो ये बना करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए ये 20 रोज कंप्लीट हो गई और अब हम फिर फर्स्ट रो रिपीट करेंगे। अब फर्स्ट टू 20 रोज रिपीट करते हुए हम शोल्डर लेंथ जो है वो कंप्लीट कर लेंगे, आर्म होल तक लेंथ। तो ये मैं लेंथ कंप्लीट करके फिर आपको दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स ये इस तरह से बन रहा है। तो चलिए कंप्लीट करते हैं इसे। फ्रेंड्स ये मैंने साइड आर्म होल तक ये लेंथ कंप्लीट कर ली है और ये पैटर्न इस तरह से बना है। अब मैं आपको मेज़र करके दिखा देती हूँ फ्रेंड्स। देखिए यहाँ से ये जो है इसकी लेंथ 17 इंचेस है। और फ्रेंड्स ये मैंने लॉन्ग साइज़ बना रही हूँ, आप साइज़ अपने अकॉर्डिंग बना लीजिए। और अब हम करेंगे शोल्डर कटिंग। तो शोल्डर कटिंग में पहले हम 4 स्टिचेस करेंगे, 1, 2, 3 और 4। अब 4 स्टिचेस कटिंग करने के बाद अब हमने जैसे पैटर्न बनाना है हम अपने पैटर्न की रो वैसे ही बना लेंगे। तो ये रो कंप्लीट करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर 5 हमारे स्टिचेस उल्टे थे, पर्ल 5 थे, 4 हमने डिक्रीज कर दिए, एक स्टिच रह गया। उसके बाद हमारा ये पैटर्न साथ ही स्टार्ट हो जाएगा, नेट 1 पर्ल 1। अब रो 2 रॉन्ग साइड से, तो यहाँ से भी हम 4 स्टिचेस कम करेंगे, डिक्रीज करेंगे, 1, 2, 3 और 4। अब हम वैसे ही जैसे हमारे पैटर्न की रो है हम वैसे ही बनाएंगे। तो ये रो मैं बना लेती हूँ। अब हमारी थर्ड रो है राइट साइड से। और फ्रेंड्स ये जो सेकेंड रो के एंड में मैंने यहाँ पर ये स्लिप करना था तो मैंने ये स्लिप नहीं किया क्योंकि अब हम इसे डिक्रीज करना है। तो अब हम पहले 4 स्टिच कम किए थे, अब हम 3 कम करेंगे। एक ये इस तरह से, एक स्टिच फिर बनाएंगे इस तरह से, 2 एंड 3। ये 3 स्टिचेस हमारे कम हो गए। अब देखिए जैसे पैटर्न है हम वैसे ही बनाना है। अब यहाँ पर एक उल्टा एक सीधा, पर्ल 1 नीट 1, इसी तरह हम इसके ऊपर बनाते जाएंगे ये पैटर्न। तो ये रो मैं बना लेती हूँ। अब हम राइट साइड से 3 कम किए, अब रॉन्ग साइड से भी 3 स्टिचेस कम करेंगे। तो ये रो मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। अब देखिए फ्रेंड्स थर्ड रो राइट साइड से डिक्रीजिंग की और लास्ट में हमारे पास इस तरह स्टिचेस आए हैं। ये हमने 10 स्टिचेस यहाँ पर, 10 स्टिचेस हमारे ये हो गए, नीट 1 पर्ल 1, नीट 1 पर्ल 1 और लास्ट में एक स्टिच है हमारे पास, उसे हम उल्टा बनाएंगे। और अब हमारी है इसे हम स्लिप कर लेंगे, ये वाला हम इस तरह से बिना बुने ही रखेंगे। अब हमने यहाँ पर 3 स्टिचेस कम करने, 1, 2 और 3। और ये रो जो है ये हम वैसे ही बनाएंगे जैसे हमने उल्टी साइड से पैटर्न की बना रहे हैं। ये हमारा आगे सीधा स्टिच है, इसे हम स्लिप करेंगे, इसे उल्टा बनाएंगे, स्लिप करेंगे, उल्टा बनाएंगे और ये रो जो है पैटर्न के अकॉर्डिंग कंप्लीट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी 4th रो रॉन्ग साइड से। तो ये मैंने इस तरह से कंप्लीट कर ली है। और अब हमने यहाँ पर 5th रो राइट साइड पर एक फंदा कम करेंगे, पहले 4 किए फिर 3 किए देखिए। और अब हमने 1 स्टिच कम करना है, 2 नहीं कम करेंगे, 1 करेंगे। ये 1 स्टिच कम हो गया और ये बाकी जो है ये पैटर्न के अकॉर्डिंग ही हम रो बना लेंगे। तो ये रो मैं बना लेती हूँ। अब 6th रो है हमारी रॉन्ग साइड से।
तो देखिए यहाँ पर भी हमने एक स्टिच कम करना है और ये फंदे हमने अपने पैटर्न के अकॉर्डिंग ही बनाने हैं। और फ्रेंड देखिए अब हमने डिक्रीजिंग जो है ओवर होगी हमारी 4-3-1 की, और अब हम इसी तरह आगे अपनी जो लेंथ है शोल्डर की कंप्लीट कर लेंगे। इस साइड हमारा एक स्टिच उल्टा है और इस साइड हमारे 2 स्टिच उल्टे आएंगे। ये वाला जो सीधा स्टिच है इसे हम उल्टा ही बनाना शुरू कर देंगे और ये 2 स्टिच हमारे लास्ट में उल्टे चलते जाएंगे। तो ये मैं लेंथ कंप्लीट करके फिर आपको दिखाती हूँ कि ये शोल्डर कटिंग के बाद मैंने इतना बना लिया है। ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 पैटर्न्स बन गए। और अब हम यहाँ पर बीच में बॉर्डर स्टार्ट करेंगे, ये हम एज इट इज़ बनाते जाएंगे। ये मैंने मार्कर लगाए हैं दोनों तरफ शोल्डर के स्टिचेज छोड़ करके। हमने 25 स्टिचेज शोल्डर के इधर रखें और 25 स्टिचे इधर, जो हमारे रिमेनिंग थे वो बीच में हमारा ये नेक बनेगा। तो यहाँ पर हम बॉर्डर के स्टिचेस बनाएंगे और ये वाला पैटर्न एज इट इज चलता जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये पैटर्न, ये 5 रोज होगी हमारी, सॉरी 5 स्ट्राइप्स। अब हम इस पैटर्न को चेंज करेंगे, अब ये वाली रो बनाएंगे यहाँ पर। तो ये यहाँ तक मैं बना लेती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। फ्रेंड देखिए यहाँ पर हमने इस तरह से बना लिया, ये जैसे हमने यहाँ पर बनाए थे ये तो सेम पैटर्न ऐसे ही बनेगा। और ये वाला पैटर्न जो है हमारा, ये हमने यहाँ पर एक सीधा एक उल्टा, निट वन पर्ल वन वाले डालने थे, तो ये हमारे बने 2, 4, 6 और ये 7 और एक स्टिच और है हमारे पास, ये 8 स्टिचेस। ये 4 टाइम्स हमने ये डाला है निट वन पर्ल वन। अब हम स्टिच मार्कर इधर लाएंगे और अब हम यहाँ पर उल्टे स्टिचेस का बॉर्डर बनाएंगे। इस तरह से इस मार्कर तक हम ये स्टिचेस सारे उल्टे बना लेंगे। इसके बाद जो हमारा पैटर्न चल रहा है हम वैसे ही पैटर्न बनाएंगे। तो मार्कर तक मैं उल्टे स्टिचेस बना करके आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड ये वाले स्टिचेस तो सारे हमने उल्टे बनाए हैं पर्ल वाइज। अब ये मार्कर को इधर शिफ्ट करेंगे, आगे हमने पैटर्न डालना है। पैटर्न देखिए ये हमारे पास इस पैटर्न से पहले स्टिचेस हैं 2, 4, 6, 8 स्टिचेस हैं। तो मीन्स हमने देखिए ये वाले इसके ऊपर सीधा स्टिच आएगा, तो हम यहाँ पर बनाएंगे नीट वन पर्ल वन। इधर भी हमारे अब 4 टाइम्स बनेंगे, नीट वन पर्ल वन नीट वन पर्ल वन, ये 4 टाइम्स आएंगे क्योंकि हमारे पास 8 स्टिचेस हैं। अब देखिए ये इस तरह से बन गया और ये वाले स्टिचेज जो है 10, अब हम ये उल्टे स्टिचेज डालेंगे और ये वाले स्टिचेज भी उल्टे बना लेंगे। ये वाले हमारे यहाँ तक 10 स्टिचेस आएंगे उल्टे और इनके ऊपर हम ये पैटर्न बनाएंगे। सॉरी ये 3 पैटर्न जो है 3 टाइम्स हम सीधे सीधे स्टिचे बनाएंगे। तो पहले हम ये 10 स्टिचेस उल्टे बना लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। और अब ये वाले जो स्टिचेस हैं अब हम नीट वन पर्ल वन 3 टाइम्स बनाएंगे, नीट वन पर्ल वन और लास्ट में हमारे पास एक स्टिच रह गया, ये हम पर्ल वाइज बना लेंगे, उल्टा स्टिच बनाएंगे। अब हमारी नेक्स्ट रो रॉन्ग साइड से है तो ये वैसे ही बनानी है। जो स्टिच हमने इधर सीधे डाले हैं उन्हें हम स्लिप करेंगे और ये बाकी सारे स्टिचेज हम उल्टे बनाएंगे और ये वाले स्टिचेज हम दोनों तरफ से ही उल्टे बनाएंगे। तो पहले 2 स्टिच हम उल्टे बनाएंगे पर्ल 2, अब ये सीधा स्टिच है इधर से तो पर्ल सॉरी स्लिप 1 पर्ल 1 स्लिप 1, इसे हम स्लिप कर लेंगे और इसे हम उल्टा बना देंगे।
और ये वाले स्टिचेस उल्टे बनाएंगे और ये वाले फिर हम सीधे को स्लिप करेंगे, उल्टा बनाएंगे, ये हमारे 4 times बनेंगे और ये वाले सारे उल्टे बना देंगे। तो इसी तरह ये रो पैटर्न के अकॉर्डिंग हम कंप्लीट करेंगे और ये वाले स्टिचेस हमने दोनों तरफ से उल्टे बनाने हैं। तो इसी तरह हम थोड़ा सा बॉर्डर बना लेंगे, ये वाला दोनों तरफ से उल्टे उल्टे बनाते जाएंगे, ये हम पैटर्न वाइज बनाते जाएंगे। 25 स्टिचे इस साइड छोड़े हैं हमने और 25 स्टिचे इस साइड छोड़े हैं, ये हम पैटर्न के अकॉर्डिंग बनाते जाएंगे। तो ये मैं थोड़ा सा बॉर्डर बना करके आपको दिखाती हूँ। देखिए ये मैंने बॉर्डर रेडी कर लिया है और यहाँ पर मैंने बॉर्डर की ये 4 stripes बनाई है, 1, 2, 3, 4 मींस 8 rows। आप 3 भी बना सकते हो, 5 भी बना सकते हो, 4 भी बना सकते हो। और फ्रेंड्स देखिए अब यहाँ पर ये मार्कर हमारे एज इट इज चलते गए हैं और अब हम ये जो नेक के स्टिचेस हैं इसे हम बाइंड ऑफ करेंगे। तो अब ये मार्कर रिमूव करेंगे हम और देखिए बाइंड ऑफ कैसे करेंगे, इस तरह से एक स्टिच सीधा बनाएंगे और फिर यहाँ पर 2 का 1 करेंगे बैक लूप से, नीट टू टुगेदर थ्रू बैक लूप, ऐसे इस स्टिच को इसको दोनों को वापस इस निडल पे ले लेंगे और फिर ये स्टिच बनाएंगे और इसके साथ इस एक स्टिच और लेंगे और नीट टू टुगेदर 2 का 1 करेंगे, फिर वापस लेंगे इसको सीधा बनाएंगे। आप किसी भी तरह बाइंड ऑफ कर सकते हो और इस तरह 2 का 1 करेंगे और फिर ये वापस ले लेंगे, फिर ये सीधा बनाएंगे और ये पीछे से 2 का 1 करेंगे। तो इसी तरह हम सारे स्टिचेज जो हैं वो बाइंड ऑफ करेंगे, फिर ये knit 1 knit 2 टुगेदर थ्रू बैक लूप, knit 1 और नीट टू टुगेदर थ्रू बैक लूप, इसी तरह हम ये रिपीट करते जाएंगे, knit 1 knit 2 through बैक लूप। तो इस तरह से हम देखिए ये हमारी चेन इस तरह से आएगी। तो इसी तरह ये मैं सारे स्टिचेस बाइंड ऑफ कर लेती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। फ्रेंड देखिए ये मैं बाइंड ऑफ कर रही हूँ और ये लास्ट में है हमारे स्टिचेस और अब ये मैंने इधर इस नीडल में लेने हैं और इसको सीधा बनाएंगे और इन 2 stitch को एक ये एक और लेंगे, पीछे से 2 का 1 करेंगे, फिर वापस इस नीडल पे लेंगे इसको सीधा बनाएंगे। ये हमारी डबल स्टिच बाइंडिंग है और इस तरह से फिर ऐसे लेंगे इसको इस तरह से बनाएंगे, इन 2 का 1 करेंगे। अब हमारे पास देखिए ये स्टिच रह गए, अब इसको रिमूव करेंगे। अब 2 stitches हमने और करने हैं, अब इसको वापस लेंगे और इसको इस तरह से बना लेंगे और 2 का 1 करेंगे। अब एक स्टिच अभी हमने और करना है और उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से कर देंगे और ये स्टिच हमारा, अब इधर हमारे 25 स्टिचे चाहिए, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 22, 24, 25, ये 25 स्टिचे हो गए और ये स्टिच हम अपने पैटर्न के अकॉर्डिंग बना लेंगे और इसको हम यहीं पे छोड़ देंगे। और देखिए ये चेन कितनी थिक बनी है हमारी। और अब यहाँ पर ला करके हम थ्रेड जो है कट ऑफ कर देंगे, बाद में ये आगे की साइड्स के साथ हम इसे ज्वाइन करेंगे शोल्डर्स को। ये अब हमारी दोनों साइड्स, फ्रंट साइड्स भी कंप्लीट हो गई और बैक साइड भी कंप्लीट हो गई है। और फ्रेंड्स पार्ट 3 वीडियो में इतना ही, अब हम इसे 4th part में कंप्लीट करेंगे। तो मिलते हैं पार्ट 4 वीडियो में। ओके बाय फ्रेंड्स।